वहीं पोखरण में एक शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बता दें कि पोखरण में मरु महोत्सव का आगाज सलाम सागर तालाब स्थित नेपालेश्वर महादेव मंदिर में आरती कर जिला कलेक्टर प्रताप सिंह और पोखरण विधायक महंत प्रताप पुरी ने शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शोभा यात्रा पंचायत समिति नगर पालिका जयनगर सर्किल से होते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मैदान पहुंची, जहां लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी और स्कूली छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। इस मौके पर मटका रेस, रस्साकशी सहित कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण का केंद्र मिस्टर पोकरण और मिस पोकरण प्रतियोगिता रही, जिसमें मिस्टर पोकरण का खिताब अभिषेक छलांगी और मिस पोकरण का खिताब अंतिमा खत्री को दिया गया। पिछले मरु महोत्सव की तुलना में इस बार लोगों की भीड़ कम रही। मेले को लेकर पर्यटन विभाग से कोई अधिकारी पोकरण में नहीं दिखाई दिया। बता दें कि पोखरण में मरु महोत्सव का आगाज यहां पर हो गया है। खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? मरु महोत्सव का आगाज हो गया है, शोभा यात्रा निकाली गई है। सुरेंद्र जी, जी बता दूं, जो मरु महोत्सव का आगाज हो चुका है। पोखरण से नेपाल से महादेव से जो शोभा यात्रा निकाली गई है, जिसको जिला कलेक्टर प्रताप सिंह और पोखरण विधायक प्रताप महाराज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तथा शोभा यात्रा मुख्य मार्ग होते हुए राजकीय माध्यमिक विद्यालय पहुंची, जहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया तथा कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। जी प्रीति, सुरेंद्र खबर पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वही महो